यदि आप सीयूसीटी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मन में ये तीन प्रश्न जरूर बन रहे होंगे कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। हमारे इस वीडियो को देखिए, आपका डाउट्स काफ़ी हद तक दूर होगा और आप एक प्रभावशाली इफेक्टिव तरीका जो है सीयूसीटी का तैयार करने का वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और मेरी स्ट्रेटजी जो सीयूसीटी की प्रिपरेशन की है वो भी आप समझिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है कि हम क्या पढ़ें। सवाल तो यही है, सीयूसीटी में हम क्या पढ़ें। तो देखिए, क्या पढ़े वाले टॉपिक में हमने आपको दो आंसर यहाँ पर समझाए हैं, ठीक है। पहला, जो नहीं पढ़ा है, और दूसरा, जिसमें कमज़ोर हो। अब जैसे सीयूसीटी में दो पार्ट होने हैं, पहले पार्ट में रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश है, जनरल मैथमेटिक्स है, करंट्स है। तो इसमें आप जो चीज़ें नहीं पढ़ें, जैसे करंट आप नहीं पढ़ें, तो आपको करंट प्रतिदिन आधे घंटे ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। चाहे किसी बुक से पढ़ना चाहिए या फिर किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहिए जो अच्छा वाला है, या फिर हमारे चैनल पर से भी वीडियोज अपलोड होगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें सब्जेक्ट में, जो पार्ट ए की बात है, रीजनिंग वगैरह, अगर आप इसमें कमज़ोर हो तो जिसमें कमज़ोर है उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी जब समय कम रह जाएगा तब आप सारे सब्जेक्टों पर पूरा फोकस करिए। अभी आप एक एक महीने 1.5 महीने तक तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जिसमें कमज़ोर हैं उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें। तो ये तो बात हो गई क्या पढ़ें उसकी, ठीक है। दूसरी बात है कि कैसे पढ़ें। तो मेरा जवाब है, यहाँ पर दो दो जवाब है, चित्र बनाकर पढ़ें और रटने से बचें, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि चित्र बनाकर कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने अब BA हिस्ट्री के लिए एक वीडियो बनाई है, आप लोग जाकर देखिएगा, उस वीडियो को प्लेलिस्ट में मैंने रखा भी है। उस वीडियो में मैंने एक चित्र बनाकर हिस्ट्री को समझाने का प्रयास किया है। जैसे हिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो उसको कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्यतिहासिक काल, ठीक है। फिर प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल ऐसे बांटते हैं। तो उसका एक चित्र बनाकर पढ़ोगे तो बहुत मतलब प्रभावशाली ये तरीका है, बहुत ज़्यादा आपको कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, रटने से बचें, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, हमारा चैनल आपको सारे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी समझाएगा। जो भी हम अपने चैनल पर तैयारी कराएंगे UG का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी, ठीक है। अब आपकी अगली बात आती है कितना पढ़ें। देखिए, अभी के लिए तो मैं आपको बताऊंगा लगभग 3 घंटे आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और उसमें 3 घंटे में लगभग 2 घंटे जो है आप पार्ट ए पढ़ें, पार्ट ए, ठीक है, जो पार्ट ए के सब्जेक्ट हैं। अगर आपको पार्ट ए के सब्जेक्ट नहीं पता है कौन कौन से हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो बनी है, आप उसको देख सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ सप्ताह में एक दिन का विश्राम जरूर लें, वो दिन कोई भी होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा दिन विश्राम लेते हैं। तो सप्ताह में एक दिन का विश्राम आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। विश्राम मतलब ये होता है कि उस दिन कुछ ना पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस दिन कुछ ना पढ़ें, उस दिन पढ़ें लेकिन उस दिन कुछ नया ना पढ़ें, ठीक है। वही रिवाइज करिए जो आपने 6 दिनों तक पढ़ा है, ठीक है। तो इससे आपके माइंड पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी नहीं क्रिएट होगा और माइंड जो है एक प्रकार से अपने आप को तरोताजा कर लेगा, ठीक है, क्योंकि दिमाग भी थकता है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिलैक्स होना ही चाहिए उसको, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। यदि आपको ये मेरा तरीका पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।